तो टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है दोस्तों। ये होंडा सिटी आई वी टेक है 2010 मॉडल। तो इसमें कस्टमर कंप्लेंट है कि गाड़ी का स्टेयरिंग हार्ड है, पावर स्टेयरिंग, और क्लस्टर मीटर में ईपीएस का साइन है कंटिन्यूसली ऑन है। तो इस फॉल्ट को अपन ट्रेस करेंगे और क्लियर करेंगे। तो अपनी गाड़ी स्टार्ट होगी, लेकिन ये ईपीएस का जो साइन है ये कंटिन्यूसली ऑन है। तो जब भी ये लाइट कंटिन्यूसली ऑन होता है, इट मीन्स स्टेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम है। और ये इसका जो स्टेयरिंग है वो भी हार्ड है पूरा। मैं इसको घुमा रहा हूँ लेकिन ये पूरा हार्ड है। तो इस फॉल्ट को अपन स्कैन करेंगे थिंक टूल रीडर स्मार्ट स्कैन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया है, तो इसको एक बार स्कैन करते हैं और उसके लिए जाएंगे अपन स्कैनर स्कैन में जाएंगे एशियन होंडा होंडा में जाते हैं डायग्नोस। सिक्सटीन पिन जापान हो गया, उसका आ गया डिटेल पूरा पिन नंबर के साथ में। ओके करते हैं सिस्टम सिलेक्शन और जाएंगे इंजन में। इंजन में चेक करते क्या फॉल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे जो फॉल्ट कोड शो हो रहा है U0131 एफ कैन मेल फंक्शन PCM EPS। तो एफ कैन मेल फंक्शन का फॉल्ट कोड आ रहा है उसके अंदर, यू में आ रहा है कोड। तो इसको एक बार मैं क्लियर करता हूँ, ये बोल रहा है अपना इंजन स्टॉप है, क्लियर हो गया। रेड ट्रबल कोड करेंगे नो ट्रबल कोड। तो एक बार इसको मैं क्रैंक करता हूँ, क्रैंक किया, चेक लाइट अपना ऑन है। और इसको एक बार वापस स्कैन करता हूँ मैं, तो ये वापस फॉल्ट कोड शो हो रहा है इंजन में। अभी देखेंगे ईपीएस में, क्योंकि ये पावर स्टीयरिंग का फॉल्ट है। तो अपन ईपीएस में चेक करते हैं एक बार कि ईपीएस में क्या बता रहा है। तो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कम्युनिकेशन उसका फेल हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे ईपीएस उसका रीड नहीं कर रहा है, एक ईपीएस कम्युनिकेशन फेल बता रहा है। तो फॉल्ट को अपन चेक करेंगे कि उसका जो ईपीएस का जो कम्युनिकेशन है ये क्यों नहीं हो रहा है। ईपीएस का उसका लोकेशन भी दिखा देता हूँ, ये इसका लेफ्ट साइड में है इसका ईपीएस, जो मैंने ऑलरेडी थोड़ा खोल के रखा है, चेक करके कंफर्म कर देते कि फॉल्ट क्या है। तो ये इसका ईपीएस है, तो इसका ये जो ईपीएस मॉड्यूल है पूरा हॉट हो गया, पूरा गर्म है। तो शायद इंटरनल भी शॉर्ट हो जाता है तो भी गर्म हो जाता है, जैसा भी मैं फिंगर टच कर रहा हूँ तो ये पूरा हीट हो रहा है। तो पहले अपन उसका ईपीएस दूसरा डाल के देखेंगे, उसके लिए मैं एक दूसरा ईपीएस लाया हूँ और इसको एक बार डाल के देखते हैं। मैं उसका यूज ईपीएस अपन एक बार सेकंड लगा के देखते हैं, इसको फिटिंग कर दिया मैंने और यह है गाड़ी का। तो एक बार चेक करते हैं और एक बार गाड़ी को अपन इग्निशन स्टार्ट करके देखते हैं। इग्निशन स्विच ऑन किया मैंने, गाड़ी को करते हैं क्रैंक, गाड़ी स्टार्ट हो गई और ये अपना ईपीएस का जो साइन था येलो कलर में वो अपना चला गया और ये अपना स्टीयरिंग भी फ्री हो गया पूरा, एक हाथ से घूम रहा है।
और अपन इंजन में जो एफ कैन का फॉल्ट है वो भी अपन चेक करेंगे। यहाँ पे यू में जो फॉल्ट कोड आ रहा है U0131 एफ कैन मेल फंक्शन PCM EPS इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग, तो एक बार क्लियर करता हूँ। ओके ट्रबल कोड, नो ट्रबल कोड, और उसको एक बार मैं आपको गाड़ी को भी स्टार्ट करता हूँ। गाड़ी स्टार्ट है, स्टेयरिंग अपना फ्री है, और फॉल्ट कोड एक बार चेक करता हूँ, तो यहाँ पे नो ट्रबल कोड। और अभी उसका EPS भी चेक करेंगे कि EPS इसका रीड कर रहा है क्या, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग। ओके रीड फॉल्ट कोड, तो यहाँ पे भी नो ट्रबल कोड, तो ये अपना EPS इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग भी रीड कर रहा है। तो EPS कंट्रोल मॉड्यूल का फॉल्ट था, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहेगा। जय हिंद दोस्तों।